दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को हिंदी ब्लॉकबस्टर अपनी फिल्म शोले के अपने प्रसिद्ध डायलॉग को दोहराते हुए तब देखा गया जब वह रविवार को लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी अपनी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी के लिए प्रचार करने पहुंचे। प्रचार के दौरान धर्मेंद्र ने मतदाताओं से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेमा मालिनी की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। भाजपा समर्थकों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा की। लगातार मांगों पर उन्होंने शोले के अपने प्रसिद्ध डायलॉग को दोहराया। अगर बसंत जी को भारी मात्रा से नहीं जताया तो आस पास की किसी टंकी में चढ़ जाऊंगा और फिर एक नहीं कई वासी आएंगे, बेटा उतरो, बेटा उतरो, बेटा उतरो, वासी जी आ रहा है, वासी जी आ रहा है, आपके दिल को छुई होगी तो प्लीज इनको अपने दिल में रखना और मेरे लिए प्यार से रहो, खुश रहो। हेमा मालिनी बैठकों के दौरान और गोवर्धन क्षेत्र में कई मुलाकातों में उनके साथ थीं। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी की जीत के बाद इस क्षेत्र में लौटने और एक किसान के घर भोजन करने का वादा किया है। इससे पहले हेमा मालिनी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, अभिनेत्री के चुनाव प्रचार का सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है और मीम्स भी बनाए गए हैं। बता दें कि मथुरा में 18 अप्रैल को मतदान होगा। INS रिपोर्ट।